पानी की सप्लाई बद से वो कहाँ पर किस जगह पर बताइए मुझे पर्टिकुलर लगभग हर ग्रामीण क्षेत्र में आप मुझे पर्टिकुलर ब्लॉक बताइए मेड़ता सिटी ले लीजिए मेड़ता सिटी के रूरल एरिया है उनको ले लीजिए आप। देखिए इसमें अब अगर आप ये कहोगे कि हमारी स्कीम्स जो है वो जिस तरीके से गति से चल रही है 2007 के अंदर जो कार्य शुरू किया गया भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी थे और उस समय ये प्रारंभ किया था मीठा पानी पहुंचाने की योजना हमारी शुरू हुई थी वो फेज वन था। लेकिन नागौर शहर तक पानी आने के बाद में कंप्लीट उसके ऊपर जैसे ग्रहण ही लग गया इस योजना पे और 5 साल जो कांग्रेस का राज रहा उसमें एक ईंट भी नहीं लगी नागौर शहर से हम एक गाँव तक भी पानी आगे नहीं पहुँचा पाए। एज ए रिजल्ट 5 साल पूरी योजना होने के बाद में भी हम उसका लाभ नहीं ले पाए। लेकिन पुनः जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अभी 2013 में और हम लोगों ने फिर से काम शुरू किया फेज़ वन ही नहीं बल्कि फेज़ टू को सैंक्शन किया और अब लगभग टोटल 3,500 करोड़ का काम पूरे नागौर जिले के अंदर चल रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मार्च 2018 जो है उसमें इस कार्य को हम पूरा संपूर्ण कर लेंगे और इसमें लगभग 3,500 ढाणियाँ हैं हमारे लगभग 1600 गांव है और 11 शहर है जो पूरे नागौर ज़िले के सभी शहरों को कवर कर रहे हैं सभी जगह आ रहे हैं। मेड़ता का जहां तक सवाल है हम लोगों ने मेड़ता शहर के अंदर पानी पहुंचाने का हमारा वादा है कि हम लोग मार्च 2017 तक मेड़ता शहर में पानी पहुंचा देंगे। इसी के साथ में मुंडवा में हमारा पानी मीठा पानी पहुंच चुका है कुचेरा के अंदर भी स्कीम चल रही है बहुत ही जल्दी वहां पर भी पहुंच जाएगा। तो ये कार्य चल रहा है एक एक ब्लॉक्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छी गति से ये कार्य चल रहा है। और जो काम पिछले 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई इसलिए उसका हम लोग हमारे ऊपर कैसे पब्लिक भी जान रही है कि किस तरीके से डिफरेंस आया है कि वो 5 ईयर्स थे जहाँ कुछ भी नहीं हुआ था और अब ये 5